नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मांग थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2018 की तैयारियों के तहत, चाहे वो LT ग्रेड की हों, BTC की हों, आगामी UP TGT PGT की हों, सामान्य अध्ययन के लिए क्लासेस स्टार्ट करिए। तो आज से हमने इतिहास भाग एक से शुरुआत करी है, इसके बाद भूगोल, विश्व का भूगोल, नागरिक शास्त्र, सभी चीज़ें हम एक साथ लेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा हम आपका समय इसमें नहीं लेंगे, 5 मिनट में आपका पूरा भाग पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में हमें आपको सफल आप निकट भविष्य में ज़रूर कराना है। इसके अलावा जिन दोस्तों को PDF फाइल चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन इतिहास भाग एक का। तो दोस्तों, इतिहास की जो शुरुआत होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, और सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत शेयर किया है। पूछा जाता है इतिहास के पिता किसे समझा जाता है, तो हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता माना जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं के लिए कोई लिखित परिणाम या वर्णन नहीं मिलता, उस काल को क्या कहा जाता है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव जीवन के घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, दोस्तों इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार अक्सर पूछा जाता है, तो ये पुरापाषाण युग में हुआ। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना, यानी कि शिकार करते थे लोग, क्योंकि उनके पास कृषि का कोई साधन नहीं था, ना ही कोई ज्ञान था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, तो दोस्तों नवपाषाण काल में। देखिए, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता इंडो सिविलाइजेशन कहलाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानता था। इसका काल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 2500 से 1750 वर्ष तक रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये सुरुत कोटदा। देखिए, घोड़े से कोटदा, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय है वो पूछा जाता है, तो व्यापार, ठीक है। पूछी जाती कैसी युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे, तो ईंटों के बने होते थे, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो या हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल सबसे आगे थी, तो वो कपास की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी सर्वप्रथम किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। प्रमुख बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का था लोथल, जो कि वेस्टर्न जो कंट्रीज थे या खाड़ी देशों के कंट्रीज थे, वहाँ से यहाँ का व्यापार शुरू होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो इधर राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो 1921 में हुई, और दयाराम साहनी ने खोज की। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के लरकाना प्रांत के पास है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साँच कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में। सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त हुआ, तो दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला, तो ये मोहनजोदड़ो मिला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है, तो अधाशिव का चित्र जो है वो अंकित है। मोहनजोदड़ो का और किस नाम से पुकारा जाता है, तो मृतकों का टीला पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है, वो बैलों का हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में, तो केवल लोथल है गुजरात में, इसके अलावा कालीबंगा भी है, और भी स्थल है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो दोस्तों हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो हड़प्पा संस्कृति में मिले। मांडा किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस बात से चलता है, तो ये धौलावीरा से पता चलता है, ठीक है, ये गुजरात में। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन में किस रंग का प्रयोग करते थे, तो ये लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं, उनमें दयाराम साहनी और RD बनर्जी के नाम प्रमुख हैं। दोस्तों, फसलों के बारे में पूछ लिया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो कौन सी थी, जौ और गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर है, ये सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बेसिकली। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई
क्षमा करें, ये गुजरात का हिस्सा है, सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का हिस्सा कहलाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने कराई। सिंधु घाटी के लोग सबसे अधिक किस देवता की मूर्ति करते? मातृ शक्ति की या मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा की सभ्यता की जो मोहरें मिली वो कहाँ मिली? सैलखेड़ी में मिली, ठीक है। किस स्थान पर नर्तक मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करते थे हड़प्पावासी? तो ये तांबे का प्रयोग करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की किस युग की सभ्यता थी? ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर जो कालीबंगन है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में जुड़े थे? तो शतरंज में, जमीन पर काढ़कर इस खेल का आनंद लेते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो का सार्वधिक अर्थ क्या है? मृतकों की टीला, पहले बता चुका हूँ। हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों का विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ये ग्रीड पद्धति को अपनाते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे भी हम इतिहास पूरा करा देंगे, उसके बाद भूगोल, फिर एक एक चैप्टर लेंगे सामान्य अध्ययन के, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा मोटिवेशन नहीं होगा और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो ईजी नौकरी जो कि आपका अपना चैनल है, जो कि आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड करा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।